दस्ते है दर जोर ईमान कालम बरदार है। सुनिएगा बतौर खास अंबर साहब, दस्ते है दर जोर ईमान कालम बरदार है, कब्ज़े कुदरत में इसके वक्त की रफ्तार है, कुदरत में इसके वक्त की रफ्तार है। भैया थोड़ा सा जुड़ के सुनिए, आप नौजवान वहां टेक लगा के बैठे, थोड़ा सा करीब आ जाइए, हम इसके बाद बचे हुए हैं, बताओ ना, खास सुनिएगा पढ़ने के लिए। कब्ज़े कुदरत में इसके रफ्तार है, तूफ़ान है खैबर वहां सोते हैं चादर तान कर, जिस जगह पर जागते रहना पड़ा दुश्वार है, जिस जगह पर जागते पड़ा दुश्वार है। इंशाल्लाह इस शेर पे हर फर्द बोलेगा, बतौर खास सुनिएगा मतले से, वक्त की रफ्तार से जो इस मिसरे को लाया हूं यहां तक। जिस जगह पर जा से जबीने वक्त पर ये लिख दिया, खून असगर से जबीने वक्त पर ये लिख दिया, मेरे घर का बच्चा बच्चा है तेरे मेरे घर का बच्चा बच्चा है तेरे करार है। डॉक्टर साहब आपके लिए खास तौर से और हमारी हजरात के लिए, क्योंकि आप हमें बराबर सुनते रहते हैं, लेकिन दो नायाब तो हो गए, पेश कर रहा हूँ, मतलब हाजिर कर रहा हूँ शहजादी के बारगाह में। अगर कोई ख्याल नया हो तो मुझे आखिरी बतौर खास सुनिएगा, एक बार सलवात में जमीन कर, मोहताज जागीर के लिए, मोहताज इज्जते नहीं जागीर के लिए, किरदार बेहतरीन हो तामीर के लिए, मोहताज इज्जते नहीं जागीर के लिए, तो जहरा जबाई सूरे कौसर ने दी सदा, जहरा जबाई सूरे कौसर ने दी सदा, इनका वजूद है मेरी तफसीर के लिए, इनका अब शेर सुना रहा हूं बतौर खास, इनका वजूद तफसीर के लिए, तो आयत को खुद तलाश है बिनते रसूल की, आयत को खुद तलाश है बिनते
रसूल की मोहताज फातिमा नहीं तत्हीर के लिए। मिल गए आयत को खुद तला बिंदे रसूल की मोहताज फातिमा नहीं तत्हीर के लिए। मोहताज फातिमा तत्हीर के लिए कभी कभी तू हलता में है भैया जोर का सुनिए कभी तू इनमा में है कभी तू हलता में है। ये कुल कुरान ही जहरा तेरी मद हो सना में है नहीं जहरा तेरी मद हो सना में है। भैया ये शेर सुनिएगा आपने बहुत अच्छा नारा लगाया बहुत और साथ सुनिएगा ये कुल कुरान नहीं जहरा तेरी मद हो सना में है। तो जिसे चाहे मदद के वास्ते आवाज दे दो तुम। आज का दूसरा तो बहुत और खास जिसे चाहे मदद के वास्ते आवाज दे दो तुम। असर जो या अली में है वही आफा तमा में है। असर जिसे चाहे मदद के वास्ते आवाज दे दो तुम। असर जो या अली में है वही या फातिमा में है। असर जो या देखिए मैं मनकबत नहीं पढ़ूंगा लेकिन कुछ अलग से अशआर थोड़े थोड़े मनकबत फिर कभी पढ़ूंगा बतौर खास सुनिएगा। अभी भाई की पूरी करता हूं पहले समाप्त हुआ फिर शहजादी की बारगाह में आपको ले चलूंगा बतौर खास सुनिएगा। लाख आले हैदर पर जुल्म और सितम होंगे लाख आले हैं पर जुल्म सितम होंगे। इनके चाहने वाले हश्र तक न कम होंगे इनके चाहने वाले हश्र तक न कम होंगे। नारा हैदरी जुड़ के सुनिए बता रहे खास एक ख्याल और पेश कर रहा हूं इनके चाहने वाले हश्र तक न कम होंगे। तो जानते थे ये आपा
दोनों हाथ के बदले जानते थे ये आस, दोनों हाथ के बदले बेशुमार हाथों में अनगिनत अलम। जानते थे ये के बदले बेशुमार हाथों में अनगिनत अलम होंगे, बेशुमार हाथों अनगिनत अलम होंगे, बेशुमार पास दस मिनट बस। और अच्छा अभी बेशुमार हाथों में अनगिनत अलम होंगे, मतलब हाजिर कर रहा हूं बतौर खास समाज फरमाइएगा। मुका जरी के उतर नहीं सकती, मुकाबले में शेर सुनाऊंगा आप इंशाल्लाह दुआ देते हुए जाएंगे बतौर क्या सुनिए। मुकाबले में जरी के उतर नहीं सामना असगर का कर नहीं सकती, जो फौज सामना असगर का कर नहीं सकती, जो फौज सामना। जबान का शेर बतौर खास हावर भाई सुनिए भाई बतौर खास। जो फौज सामना असगर का कर नहीं सकती, तो कहां ये मौत से गाजी ने उसको ले आओ, कि ये मश्क भर नहीं, जो कह था कि ये मश्क भर नहीं सकती। आज का तीसरा तोहफा बतौर खास सुनिएगा, ये तमीज का शेर था। जो कह रहा था कि ये मश्क भर नहीं सकती, तो लहू पिएगी ये जहरा के कातिलों का जरूर, लहू पिएगी ये जहरा के कातिलों का जरूर, जबान तेरे अली है मुकर नहीं सकती, जबान तेरे है मुकर नहीं सकती, जबान तेरे अली है मुकर नहीं सकती। आखिरी कलाम जबान तेरे मदद के वास्ते।
चरी है मदद के वास्ते पहुंचा जरी है सदा बास को जब हमने दी है सदा बास को जब दी है। ये शेर मौला गाजी अब्बास की एक अजमत बयान कर रहा हूं, समाज फरमाइएगा बतौर खास, अगर पसंद आए आज का ये चौथा कोखो बतौर खास समाज फरमाइएगा। सदा बास को जब हमने दी है जिसे आप बास कहे जमाना जिसे बास कहता है जमाना लबे ज़ैनब की वो नादे अली लबे ज़ैनब की वो सवाल और जवाब लवे जिसे कहता है जमाना लवे ज़ैनब की वो नादे अली है वो आया रन जो नन्हा जरी है वो आया रन जो नन्हा जरी है खुदा के दीन की वो जिंदगी है यजीदी मर हबो से जाके कह दो यजीदी मर हबो से जाके कह दो ये असगर बाद में पहले